सो हे गाइस वेलकम। आज हम बात करेंगे कि जीआईसी रिफंड की रिक्वेस्ट आप ऑनलाइन कैसे डाले, कैसे अगर आपने जीआईसी पेमेंट डाला है और कोई रीज़न से आपको वो रिफंड लेना है या फिर आपने चेंज कर लिया है माइंड, तो आप कैसे रिफंड ले सकते हो। तो पहला स्टेप आता है, आपको गूगल में जाना है और सिंपली आपको टाइप करना है स्कोशिया बैंक जीआईसी रिफंड रिक्वेस्ट। तो जैसे मैं सिर्फ स्कोशिया बैंक रिफंड लिख रहा हूँ तो वह साइट लोड हो जा रही है। मेरे वेब ब्राउज़र में आप देख पाओगे कि स्कोशिया बैंक जीआईसी प्रोग्राम रिफंड रिक्वेस्ट, ये बैंक का पोर्टल है, उसमें आपको जाना है। बैंक ने बहुत अच्छी तरीके से पूरा पोर्टल बनाया हुआ है। फिर यहाँ स्कोशिया बैंक स्टूडेंट जीआईसी रिक्वेस्ट में आपको ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी। ये आपको पढ़ना होगा कि आपको स्कोशिया बैंक का इन्वेस्टमेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए। फिर आप जो भी रिक्वेस्ट रिफंड कर रहे हो तो आपका बैंक का अकाउंट जिसमें डालोगे और इन्वेस्टमेंट अकाउंट के में नेम सेम रहना चाहिए, और आपको इस एप्लीकेशन को एग्री करना है इसके स्टेटमेंट को। सो मैं या रीड या कंसेंट फॉर्म को एग्री करता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि आपको आपकी डिटेल्स और आपको रीज़न देना है कि भाई आप पैसे वापस ले रहे हो। तो हैव यू अप्लाइड फॉर वीज़ा स्टडी परमिट, अगर आपने किया है तो यहाँ यस करो, अदरवाइज नो। डिपेंड करता है आपके कि आपके पास कौन, आप कौन से सिचुएशन में हो। तो यस, तो तीन रीज़न आते हैं कि वीज़ा रिजेक्ट हुआ, या तो फिर विड्रॉ कर रहे हो, या तो फिर दूसरी कंट्री का प्लान करते हो, या फिर बहुत सारे रीज़न होते हैं। यहाँ कोई एक रीज़न क्लिक करना है। मैं यहाँ माई स्टूडेंट वीज़ा फेल गया वो रीज़न लिख देता हूँ। फिर फाइल नंबर जो ऑप्शनल है, आप लिखो या ना लिखो आप पे डिपेंड करता है। फिर आपको आपकी डिटेल्स ऐड करनी है। यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ सैम पटेल। सो यहाँ मैंने ऐड कर दिया सैम पटेल। फिर आपको स्कोशिया बैंक का इन्वेस्टमेंट नंबर, जो आपका अकाउंट नंबर, जब आप जीआईसी अकाउंट ओपन करवाते हो तब जो भी नंबर हो वो आपको ऐड कर देना है। और ये योर स्कोशिया स्टूडेंट जीआईसी प्रोग्राम केस नंबर, वो ऑप्शनल है, आपको करना है या नहीं डिपेंड करता है आप पे। फिर आपको आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस देना है। आप आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस इस पर डालिए, फिर उसको कन्फर्म करना है, यानी आपका ईमेल एड्रेस फेल ना जाए, क्योंकि सब ये लोग कॉन्टैक्ट आपको ईमेल एड्रेस से ही करते हैं। फिर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो एग्जैक्ट है पासपोर्ट के मुताबिक आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ मैं आपको एक रैंडम एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले कि अगर आपको ऐसा कोई कॉन्सिक्वेंसेस आए, मैं भी इसका कैसे ना आए, बट आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये प्रोसीजर होती है। या पासपोर्ट नंबर मैं ऐड कर देता हूँ, आपका जो भी पासपोर्ट नंबर है वो आपको ऐड कर देना है। फिर नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट में आपको ये सारा बैंक के अकाउंट डिटेल्स डालनी है कि इंडिया में आपका बैंक अकाउंट नंबर है उसका अकाउंट नंबर डालना है। फॉर एग्जांपल अगर एसबीआई बैंक है तो एसबीआई बैंक में आपका खुद का, नॉर आपके फादर मदर या सिस्टर का नहीं, आपका खुद का बैंक अकाउंट नंबर और आपका नेम सेम होना चाहिए। फिर आपको बैंक का नेम डालना है। यहाँ सपोज मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट नंबर लिख दिया है। फिर नेक्स्ट आता है, आपको बैंक का एड्रेस लिखना है, एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2। तो जो भी जगह आपकी बैंक होगी वहाँ का एड्रेस आपको लिख देना है। यहाँ मैंने एड्रेस लिख दिया है 10 सिटी कॉम्प्लेक्स मणिनगर, रैंडम लिखा है, आप परफेक्ट लिखना है। फिर आपको सिटी लिखना है, मैंने यहाँ अहमदाबाद लिखा है, वहाँ का जिप कोड लिख देना है। फिर वहाँ की प्रोविंशियल स्टेट और कंट्री, तो गुजरात और कंट्री यानी इंडिया, फिर बेसिक लिख देना है। फिर नेक्स्ट आपको बैंक का स्विफ्ट कोड आपको पासबुक में मिल जाएगा, इवन IFSC कोड भी वहाँ मिल जाएगा, या तो फिर नेट पे आप सर्च कर सकते हो आपकी ब्रांच और उसका कोड। सो नेक्स्ट कर देना है। फिर आपको एक पूरा कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगा कि कैसे फॉर्म है, क्या क्या डिटेल्स आपने डाल दिए। आपको वेरीफाई कर देना है, यस माय वीज़ा डिनाइड नेम, ये आपको पूरा एक बार वेरीफाई कर देना है। और फिर आपको नीचे जाके सबमिट कर देना है, लेकिन मैं यहाँ सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि मैं बैंक को फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। सो आपको ऐसा, अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आपको ऐसा सबमिट कर देना है, या मैं कैंसिल क्लिक कर देता हूँ। तो ये था पूरा प्रोसीजर, आप रिफंड रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हो स्कोशिया बैंक को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।